शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक दिवसीय दौरे के दौरान सूर्य नमस्कार और स्वच्छता अभियान को लेकर अधिकारियों की बैठक की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि आने वाली 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, ऐसे में स्कूलों सहित प्रदेश में सभी जगहों पर सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही रोजाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया जाएगा। वहीं स्वच्छता को लेकर कहा कि किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गंदगी मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सिलेबस में बदलाव को लेकर दिलावर ने अकबर की महानता पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री बीडी कल्ला पर निशाना साधा। स्कूलों के बाहर तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर लगाम लगाने के सवाल पर उन्होंने चिंता जताई। कोटा सुसाइड मामले को लेकर कहा कि इसके लिए सभी दोषी हैं, बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, बच्चों को रुचि के मुताबिक पढ़ाई करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का प्रयोग किया है, मैंने भी एक नया प्रयोग किया है जिसकी शुरुआत जोधपुर से कर रहा हूं। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग में अब जो कभी तकमीरा बनेगा वो हिंदी में होगा ताकि सभी को पता चले कि सीमेंट कितना है और बजरी कितनी है। तो वो करना ही चाहिए और इसलिए सूर्य भगवान की आराधना का दिन हमने सूर्य सप्तमी को चुना है। सूर्य नमस्कार करके हम सूर्य आराधना करेंगे। हमने स्वच्छता के लिए सब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर गांव बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार से जिनको धनराशि मिलती है FFC SFC की, वो पर्याप्त होती है। यानी छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में भी कम से कम 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं, तो उससे हम गांव को आसानी से साफ रख सकते हैं। हमने PHD को भी कहा है, यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्री को, जिसको गाँव की भाषा में जलदाय विभाग भी कहते हैं, कि आप गंदगी कम से कम करें। हम भी राजस्थान में एक प्रयोग करना चाह रहे हैं। जो शिक्षा विभाग है हमारा और जो पंचायत राज विभाग है, उसमें जो निर्माण होता है उसके जो एस्टिमेट बनते हैं वो अभी तक अंग्रेजी में बन रहे हैं। हम प्रायोगिक तौर पर ये देखना चाहते हैं कि इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये प्रयोग हम जोधपुर से प्रारंभ कर रहे हैं। हम तकमीने हिंदी में बनाएं ताकि आम आदमी भी समझ सके कि जो काम हो रहा है इसमें कितना सीमेंट डालना था, कितना रेड डालना था, कितना गिट्टी डालना था, या क्या इसका मेजरमेंट है, ये सब बातें जिसमें उपयोग होती है वो सब हिंदी में हो, तो आम आदमी भी इस बात को समझ सके।